गुरुपाद पद्म गीतलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमान भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सतश्री श्री श्रीमान भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी को मैं यथाजुक्त प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गतकल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं जीवन का जो साधन है वो भगवान का नाम ही है और जीवन का जो लक्ष्य भी है वो ठाकुर जी का नाम है। मतलब साधन अवस्था में हरि नाम करना और जो मिलेगा क्या मिलेगा वो हरि का नाम ही मिलेगा, भगवान का नाम मिलेगा। इसलिए साधन भी भगवान नाम और साध्य भी भगवान का प्रेम ही साधन है। इसलिए जीवन का जो सार है भगवान का नाम। लेकिन उसी समय में कुछ लोग बड़े भ्रमित भी थे, कोई मुक्ति मार्ग में जा रहे हैं, कोई कर्म मार्ग में, कोई योग मार्ग में, सब अलग 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 मार्ग में सब भटक रहे थे। इसलिए प्रभुपाद ने यहाँ पर एक उदाहरण देकर बताए, बोले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी को कुछ शिक्षा दिया है जिसका नाम है सनातन शिक्षा। इसलिए महाप्रभु उनको समझा रहे हैं, बोले देखो सनातन गोस्वामी महाप्रभु को दो प्रश्न किया था। कितना प्रश्न किया था जोर से बोलो, क्या क्या बोले? हाँ, के आमी के न मरे जारे तापत रहे, यहाँ नाही जानी कई चमोर ही कहे, साध्य साधन तत्व उचित ना जानी कृपा करी सब तत्व कहता है। इसलिए सनातन गोस्वामी का पहला प्रश्न है मैं कौन हूँ। देखो इसको समझना बहुत जरूरत है, क्योंकि जब तक आप कौन हो ये चीज को नहीं समझते ना, जो कुछ करके सब गलत करेंगे। जैसे आप ऑफिस में काम करने के लिए गए, आपको सबसे पूछा जाता है ना, भैया तुमने सीए किया ना डॉक्टरी किया ना इंजीनियरिंग किया? अगर आपने डॉक्टरी भी किया है आपको इंजीनियर का काम दिया जाएगा, आप कर सकते हो? आप इंजीनियर के काम के आपको सीए का काम दे देगा, आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। आप जो है ना वही अगर नौकरी दिया जाए तो फिर आप उसी को नौकरी को कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें ये पता होनी चाहिए मैं कौन हूँ। अगर जब तक ये चीज़ को नहीं समझोगे ना, फिर तो इधर भटकोगे उधर भटकोगे उधर भटकोगे, इधर ठोकर खाओगे उधर ठोकर, सारा दुनिया में ठोकर ही खाते रहते हैं। इसलिए महाप्रभु बोले जीवर स्वरूप हरे कृष्ण नित्यदा, जीव का जो असली स्वरूप है हम सब के सब श्री गोविंद देव का दास है, सब के सब कृष्ण का ही हम दास है। अगर हम कृष्ण का अगर दास है पर हमें क्या करनी चाहिए? कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, उसको सेवा ही हमारे धर्म है, हैं? पर दूसरा प्रश्न है, संसार में कोई भी भगवान से दुख नहीं चाहते, दुनिया ठाकुर जी से सुख संपत्ति चाहते हैं। कहते ना सुख संपत्ति घरे आगे कष्ट मिटे तनिकी जय जगती सहारे, सारा दुनिया यही चाहते हैं, कोई भी दुख कष्ट को निमंत्रण नहीं देते। लेकिन बगैर निमंत्रण के घर क्यों आता? कोई तो बुलाते हो घर में, कोई दुख कष्ट नहीं बुलाते फिर आता है, यही चीज को समझ लो तो हमारे कल्याण हो जाएगा। इसलिए महाप्रभु बोले कृष्ण बोली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया कर देह संसार अभिदुख। जितने दुख का जो जड़ है हमने भगवान का सेवा भक्ति छोड़ दिया, उनकी भजन करना हमने छोड़ दिया। छोड़ने का वजह से हमारी मथुरा में आप लोग तो देखे नहीं होंगे, हमारे गुरु जी ने बड़ी सुंदर एक फोटो बनाया था, एक तरफ में माया की जगत दूसरे तरफ में भगवान की जगत, बहुत सुंदर था, हैं? एक और बीच में इधर है नहीं, एक तरफ माया जगत एक तरफ में भगवान की जगत, और जिधर माया की और बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, बीच में एक व्यक्ति खड़ा हुआ है,
एक तरफ पे माया बुला रही है और एक तरफ पे संत बुला रहे हैं। जिधर माया खड़ी है वो देखने से ही पता चलता बड़ा घोर घना घोर अंधकार, भूत पिशाच डाकिन साकी हिंस जंतु उस तरफ में खड़ा हुआ और उधर माया बुला रही है। जिस तरफ में संत खड़े हुए हैं वो प्रकाश ही प्रकाश, सीधा मार्ग गया भगवान का धाम। अभी बीच में वो व्यक्ति खड़ा हुआ, एक तरफ माया बुला रही है एक तरफ में संत बुला रहे हैं। संत कहते देख बेटा अगर तुम भगवान की भक्ति के तरफ में आओगे आनंद ही आनंद है, सीधा ठाकुर के पास में जाओगे, जहाँ जाने से न जत्र रोगो न जरा न मृत्यु न च आरती न च उद्वेग, जहाँ पर कोई दुख कष्ट जरा व्याधि आनंद ही आनंद है। और इस तरफ में दिखा रही है देखो जिधर माया बुलाती है ना वो देखने में तो थोड़ी सी सुंदर लगती है लेकिन वो दिख रहा है घोर अंधकार है और हिंस जंतु खड़ा हुआ। वो व्यक्ति कभी इधर देखता है कभी इधर देखता है, कभी इधर देखता है कभी दोनों तरफ में देखता रहता है किधर जाऊं। लेकिन जिसका हृदय कमजोर है ना वो माया की तरफ नहीं भागता है, वो माया में ही छलांग लगाता है। लेकिन जो बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति है वो भगवान की भक्ति की तरफ में जाता है, वो बहुत विरल व्यक्ति, बहुत विरल व्यक्ति इधर जाते हैं। अक्सर करके लोग ये माया में ही छलांग लगाते हैं। लगाने पर क्या होता है, माया कहती है तो भगवान की सेवा नहीं करोगी, मेरे को भोग कर तो ले ले भोग कर है। तो ये माया क्या करती है, ये जो ब्रह्मांड बनाया ये जो संसार को किसने बनाया, माया ने ये संसार रूपी दुर्ग बनाया, ये दुर्ग जेल संसार जेल है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी, कोई पड़ोसी से दुखी, कोई समाज से, कोई ननद से, कोई पति से, कोई काम से, तरह तरह का दुख कष्ट देती है। लेकिन जो दुख कष्ट देती है ना ये भी कृपा ही है। जैसे एक व्यक्ति चोरी करे जो जेल में क्यों देते हैं, सुधरने के लिए। जब डंडा पड़ता है ना उसके ऊपर में, अरे खाना ठीक से नहीं मिलता, दिन भर काम करवाएंगे भैया और चोरी नहीं करेंगे, और चोरी नहीं करेंगे अभी कम सही। इसीलिए जो माया है ये जो दुख कष्ट देती है ना केवल जीव को सुधारने के लिए, भैया देखो ये संसार में सुख नहीं, सुख तो प्रभु की चरण में, यहाँ क्यों तुम सुख ढूंढ रहे हो। हैं पहले उदाहरण में दिया था ना, एक माता जी रोड में सुई एक घंटा से ढूंढ रही थी, एक व्यक्ति ने देखा एक बूढ़ी माता जी कुछ ढूंढ रही है, एक घंटा बाद में भी आ करके देखा वही ढूंढ रही, बोले माता जी क्या ढूंढ रहे हो एक घंटे से, बोले बेटा मेरे कहीं सुई खो गया, बोले सुई कहाँ गिरा था, बोले घर के अंदर में, बोले घर के अंदर में तो सुई गिरा रोड पे क्यों ढूंढ रहे, अरे भैया जहाँ पर गिरा वहीं पर ढूंढना है। हाँ ये जितने दुख कष्ट का कारण है हमने गोविंद देव का भजन हमने छोड़ दिए, सारे जड़ का भूल गए, महाभगवान स्वयं कहते हैं। इसलिए फिर अगर ठाकुर के चरण में शरणागत हो जाए ठाकुर जी माफ कर दो बस, जैसे किसी पिताजी की अथा संपत्ति है लेकिन बेटा पिताजी की बात नहीं सुनता, बेटा क्या करेगा, पिताजी जा मेरे संपत्ति में तेरे कोई अधिकार नहीं, अभी मारे मारे भटकते रहो। लेकिन अगर इतना आ करके पिताजी को चरण छू करके बोले पिताजी ऐसे कीजिए, पिता इतना ही बोलना है पिताजी मेरे अपराध को माफ कर दो, गलती हो गई, पिता तो यही चाहता है बेटा मेरे पास में आए बात उसने सारे संपत्ति का ईश्वर जो पिता तो यही चाहते है ना, इतना केवल पिताजी के चरण छू करके बोल कर ठाकुर जी माफ कर दो बस, ठाकुर जी गोद में ले लें, ठाकुर जी हमें गोद में ले लेंगे। इसलिए यहाँ पर महाप्रभु कह रहे हैं जितना सारे दुख कष्ट का जड़ है हमने भगवान के भजन में छोड़ दिए, और सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं, ये माया के संसार में ढूंढ रहे हैं जहाँ पर सुख है ही नहीं, जिसने खुद बोला ये संसार दुख का घर है और सुख तो ठाकुर की चरण में। इसलिए फिर महाप्रभु ने एक सुंदर स्टोरी सुनाया, मैं भी आपको सुना रहा हूँ, याद करना मैं पूछूंगा, जो बोलेगा उसको मैं इनाम दूंगा और जो नहीं बोल पाएंगे ना बीच में खड़े कर दूंगा। सब कथा सुन रहे कि नहीं, ऐसे नहीं इधर सुने और यहीं पर छोड़ कर चले गए, मैंने बोला था ना कि कभी पहन लेके लाए हो, हाँ लिखो, हाँ ऐसे नहीं आके देखो, हम यही चाहते हैं केवल सुन करके इतना तक नहीं रखना है, ये कथा को दुनिया में प्रचार करना। महाप्रभु का भविष्यवाणी है एक दिन ऐसा आएगा शहर शहर में गांव गांव में
गली गलियों में घर घर में भगवान का नाम गुंज उठे, महाप्रभु का कीर्तन गुंज उठे। महाप्रभु का यही भावना है, कब होगा हम जो सुत रहेंगे? मुसलमान को देखो, क्रिश्चियन को देखो, अपना धर्म प्रचार करते हमारे भारत में आकर, और हम हिंदू होकर खाए पी सो जाते, ठीक है ना। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, मैं सबसे ज्यादा किसको प्रेम करता हूँ, कृष्ण खुद कहते हैं, सबसे ज्यादा किसको प्रेम करता हूँ, बल्कि उसको मैं प्रेम करता हूँ जगत में जितने जीव सब मेरे बच्चे हैं, तो मैं वो माता च पिता तो मैं वो, लेकिन वो मेरे को भूल करके दुख घट वो कर रहे। अगर इसका खोया हुआ बेटे को अगर वापस ले आओगे, पिता खुश होगा कि नहीं होगा? खुश हो जाएगा ना। हम सबके सब खोए हुए बच्चे हैं, अगर इनको कोई ढूंढ करके ठाकुर के चरण में ले आए ना, ठाकुर जी कहते सबसे ज्यादा उसको मैं प्रेम करता हूँ जो मेरे बच्चों को ले आते हैं, ठीक है, समझ रहे हो। इसलिए जो व्यक्ति प्रचार करके जीवों को भगवान की शरण में ले आए, ठाकुर जी सबसे ज्यादा उसके ऊपर में कृपा करते हैं, सबसे ज्यादा उसको प्रेम करते हैं, ठीक है। कथा को सुन लो ध्यान से। बोले एक समय कोई एक बड़ा दरिद्र व्यक्ति दर दर में भीख मांग रहा था, फट्टे फुट्टे कपड़ा पहना हुई है, शरीर हड्डी हड्डी, लेकिन एक सर्वज्ञ था। सर्वज्ञ मतलब क्या है? जो आपको देखे, केवल आपकी सूरत को देख करके सारी बात बता दे, तुम्हारे घर कैसे है, पति कैसे है, पत्नी कैसे है, घर में तुम्हारी कितने माल कहाँ पर रखा हुआ है, जो केवल तुमको देख करके सारी बात तुमको बता दे। वो सर्वज्ञ ने देखा उसको दुखी दुखी दर दर भटकते हुए, उसको बुलाया, बेटा इधर आ। बोले तू ये भीख क्यों मांग रहे हो? बोले पिताजी जब से चले गए हम तो बड़े दुखी हैं, दुखी कोई सीमा नहीं। बोले देख बेटा, तेरे जो पिता है ना और मेरे मित्र थे, तुम्हारे घर में चार दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। तेरे पिताजी एक कलसी में हीरे जवाहरात को कलसी में गाड़ करके ये पूर्व दिशा में रखे हैं, लेकिन बेटा सावधान, उत्तर दिशा का मिट्टी खोदना नहीं, उधर एक अजगर सर्प रहता है, अगर वो सर्प निकलेगा ना सीधा तुमको निकल जाएगी। दक्षिण दिशा का मिट्टी भी नहीं खोदना, उधर रहता है एक यक्ष रहता है, अगर उधर खोदोगे फिर तो यक्ष तुमको सीधा खा जाएगा। और पश्चिम दिशा का मिट्टी भी खोदना नहीं, उधर रहता है ततैया। क्या रहते हैं जानते कि नहीं? ततैया क्या होता है? ततैया कीड़े होते हैं, अगर 8-10 कीड़े अगर तेरे को काट दिया ना, राम राम सत्य हो जाएगा। लेकिन देख बेटा, आप ये पूर्व दिशा में ये माल है, ज्यादा खोदने का जरूरत नहीं, जब थोड़ी सी तुम खोदोगे ना वो माल निकलेगा, वो माल निकलेगा, फिर तो माला ही माल हो जाओगे। वो इतने खुश हो गया, मेरे पिताजी इतने संपत्ति रख कर गए और मेरे को पता ही नहीं। वो गया सचमुच से, जब पूर्व दिशा का मिट्टी उसने थोड़ी सी हटाया ना, निकला वो कलसी जिसमें सोने हीरे जवाहरात से भरा पड़ा हुआ, एक एक बेचा ना अरब अरब रुपया हुआ, अरे तो माला ही माल। हाँ देखो, ये जो कथा महाप्रभु सुना रहे हैं, बड़े अच्छी बात सुनाए महाप्रभु। कहते हैं भैया वो दुखी दरिद्र व्यक्ति कौन है जो दर दर भटक रहा था? हम सब सब लोग हम दर दर संसार में भटक रहे हैं, दुखी दुखी हो रहे हैं। कहते ये सर्वज्ञ कौन है? कहते ये सद्गुरु सर्वज्ञ है, इसने हमको देखा संसार में दर दर, हम भटकते हुए दर दर देखा उसने, उसने हमें बुला करके बुलाया, देख बेटा तुम्हारी घर में चार दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। इसका मतलब क्या है? बोले चार ही मार्ग है, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग, ये चार ही मार्ग है। आप लोग समझ लो तो दूसरों को समझा सकते हो, चार ही मार्ग है। देख बेटा तू उत्तर दिशा का मिट्टी नहीं खोदना, क्योंकि उधर रहता है एक अजगर सर्प। यदि अजगर सर्प क्या है? बोले मुक्ति। जैसे सर्प निगल जाती है कि जो मुक्ति मार्ग, कोई कहते ना हमें मुक्ति चाहिए मुक्ति चाहिए, भैया भक्त लोग मुक्ति नहीं चाहते, वो तो गोविंद देव का चरण की सेवा चाहते हैं, ये मुक्ति नहीं चाहते हैं। भैया मुक्ति क्या है जी? ये चीज को समझो, जैसे ये जीवात्मा तो चार तरह पांच तरह का मुक्ति है, कितना तरह का, क्या क्या बोल सकते हो?
देखो तुम लोग कहीं उत्तर नहीं दे पा रहे हो, एक गोपी के भी उत्तर दे पा रहे हो, क्योंकि तुम लोग एक तो लिखते नहीं और कथा भी नहीं सुनते, इसलिए तब भी इतना दिन से तभी नहीं बोल पाते, क्यों? कथा एक सुने एक पल्लू झाड़ के घर में, ऐसे करने से काम नहीं चलेगा। सीखने के लिए देखो कि लिख रही है, ध्यान से सुनती है, कोशिश करती है बोलने के लिए, तभी ये बोल पाती है, नहीं तो तुम लोग क्यों बोल नहीं पाती हो। आए कथा सुने पल्लू झाड़ के चले यहाँ से, बोले कथा यही थे हम तो अपने घर में जा रहे हैं। इसलिए कहते पांच तरह का मुक्ति है, ठीक है, कहते सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य और एक होता है साजोग्य, ये पांच तरह का मुक्ति है। ये वैकुंठ में ये चार तरह का मुक्ति कभी कभी भक्त लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन एक मुक्ति है जिसको कहते साजुज्य। साजुज्य मतलब क्या है? जो व्यक्ति चाहते हैं अपना आत्मा को वो परमात्मा में लीन कर दे, साजुज्य मतलब मिल जाना, वो ब्रह्म ज्योति में, ये इसको हम ब्रह्म ज्योति में आत्मा को परमात्मा में पूरा लीन कर दे, इसको कहते साजुज्य, जो मिल जाना चाहते हैं। आप बोलोगे भैया इसमें बुराई क्या है? कहते ये शंकराचार्य का फिलोसफी है, इसी ने ही ये मुक्ति मार्ग को प्रचार किया है, इसलिए जब तक संसार में रहेंगे दुख कष्ट भोग करते रहेंगे, इसलिए क्या करो अपना सत्ता को ब्रह्म ज्योति में लीन कर दो, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। बल आप बोलोगे भैया इसमें बुराई किया है, इसमें क्या क्या बोलो क्या कीड़ा है, इसलिए कहते ये साजुज्य मुक्ति है, ठीक है, इसलिए कह रहे हैं भैया उसमें गलती किया है। उदाहरण देकर समझाए, जैसे एक व्यक्ति का सर पर फोड़ा हो गया, अच्छी तरह समझो फोड़ा हो गया, किसी डॉक्टर के पास में गया, बोले डॉक्टर साहब फोड़ा हो गया, बोले फोड़ा हो गया बहुत दर्द कर रहा है, बोले देख बेटा सर है तभी तो दर्द कर रहा है, सर को काट दो, सर को काट दो फिर दर्द खत्म हो जाएगा। देखो ये एक ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट है अच्छे तरह समझना ये चीज क्या चीज है, दूसरे ट्रीटमेंट है और एक डॉक्टर के पास में गए, बोले सर में फोड़ा हो गया बड़े दर्द है, बोले देखो बेटा तेरा ऑपरेशन कर देता हूँ, थोड़ी सी दर्द होगा तेरे को मैं बैंडेज कर दूंगा, थोड़ा दवा दे दूंगा, एक दो दिन में सही हो जाएगा। आप बताओ दोनों डॉक्टर में किसको पास में जाओगे? अरे जोर से बोला, जो बोले गला काट नहीं जाओगे, यही चीज को समझ लो। ये जो मुक्ति जो चाहते हैं, कहते भैया संसार में दुख कष्ट है, इसलिए क्या करो अपना आत्मा को परमात्मा में मिला दो, जब मिल जाओगे ना, मिल जाना एक तरह का कहते स्पिरिचुअल सुइसाइड, एक तरह की सुइसाइड है, ब्रह्म ज्योति में लीन हो गया, पत्थर जैसे दिन भर पड़ा रहेगा और कुछ नहीं। लेकिन अगर बीमारी है भैया, दुख कष्ट इसलिए भोग कर रहे हैं चूंकि हमने भगवान भूल गए, फिर क्या करो ठाकुर के शरण में आ जाओ, ठाकुर जी हमारे अपराध को माफ कर दो और कृपा करके तुम्हारी चरण की सेवा दे दो। और भगवान की सेवा में आनंद ही आनंद है, ठाकुर की सेवा में आनंद ही आनंद है, ठाकुर की सेवा में फिर तो प्रभु की चरण की सेवा तुम्हारी प्राप्ति होगी। इसलिए और एक उदाहरण देकर समझाए, कल एक समय कोई एक चींटी गुड़ खाने के लिए गया, जो गुड़ है वो एकदम पतला पतला गुड़ था, चींटी गया गुड़ खाने के लिए, जा करके क्या किया वो गुड़ में ही लपट गया, खत्म हो गया। लेकिन वो गुड़ को कब आस्वादन करेगा? जब गुड़ से वो अलग रहेगा तभी तो चींटी उसको आस्वादन करेगा ना, लेकिन अगर उसके साथ मिल गया फिर तो मिल गया तो उसका आस्वादन करो। उसी तरह जो व्यक्ति चाहते हैं वो ब्रह्म ज्योति में अपना सत्ता को लीन कर दे, भैया तो मिल गया तो आस्वादन क्या करोगे? जैसे हनुमान जी, जैसे राधा रानी, जैसे गोपियां, अलग है तब तो कृष्ण सेवा कर रहे हैं ना, अलग नहीं रहते सेवा कहाँ से करोगे? इसलिए कहते भैया ये मुक्ति मार्ग में नहीं जाना, ये जो मुक्ति मार्ग है वो एक तरह का जीव को जैसे सर्प जैसे निगल जाती है, ये आत्मा को परमात्मा लीन हो गया मतलब हमारी सत्ता खत्म हो गई। जीवन में कभी वो प्रेम रस को, भक्ति रस को कभी तुम आस्वादन नहीं कर सकते हो, हाँ जन्म नहीं होगा मृत्यु नहीं होगा लेकिन वो रस को तुम आस्वादन नहीं कर सकते हो। लेकिन भक्त क्या चाहते हैं? भगवान का प्रेम रस को आस्वादन करे, उनकी भक्ति रस को आस्वादन करे।
महाप्रभु रूप में, महाप्रभु रूप में कृष्ण क्यों आए? कल सुन रहे थे ना, कृष्ण देख रहे हैं राधा रानी मेरे को भी प्रेम करती है, मैं भी कृष्ण राधा जी को प्रेम करती हूँ, लेकिन राधा रानी मेरे को प्रेम करके मुझे जितने आनंद मिलता है उससे करोड़ों गुण ज्यादा आनंद मिलता है। कितना? इसलिए क्योंकि भगवान को भक्त भक्ति करके इतने आनंद है, ठाकुर को जितने आनंद है ना उससे ज्यादा आनंद भक्त को मिलता है। यद्यपि भगवान पूर्ण ब्रह्म पूर्ण आनंद स्वरूप है, लेकिन जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे पत्नी ने कोई सब्जी बनाया बहुत बढ़िया सब्जी, पति को दिया, पति अंगुल चाट चाट कर खाया, बोले वाह क्या तुमने सब्जी बनाई है, लगता है तुम्हारे हाथ में अमृत है, और रोटी लगता है चांद का कोई टुकड़ा है। अब देखना पत्नी कितने खुश होए कि नहीं, भैया हमारे रोटी बनाना सब्जी बनाना हमारी धन्य हो गया, कम से कम प्रसन्न होकर खाए खुद। अब देखना बनाने वाले को जितना आनंद होगा ना, खाने वाले से ज्यादा बनाने वाला को आनंद होगा। उसी तरह कृष्ण विषय विग्रह है, भक्त उनको भक्ति करते हैं, लेकिन भक्तों को जो आनंद है ना भगवान से भी ज्यादा आनंद ये भक्तों को मिलता है, भक्त यही रहस्य का आस्वादन करना चाहते हैं। इसलिए खबरदार कभी मुक्ति मार्ग में नहीं जाना। दूसरा मार्ग बता है कर्म मार्ग, जिधर ततैया बोले, ततैया क्या करते कटते हैं, कोई बोलते भाई कर्म करो कर्म करो, बोलते ना कर्म, भैया कर्म क्या जिसे समझो, अकर्म विकर्म सत्कर्म कर्म का भी बड़ा डेफिनेशन दिया है। हम संसार में क्यों आकर के संसार में आए हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में जो कर्म किया है वो कर्म को भोगने के लिए इसी जीवन में आए, और इसी जीवन में जो कर्म करेंगे फिर दूसरे जीवन में जाएंगे, दूसरे जीवन फिर तीसरे जीवन में, ऐसे ही ये कर्म चक्र में हम भटक रहे हैं। जैसे ततिया काटते रहते हैं हम संसार में भी, कहीं बोल रहे थे ना, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई बीवी से दुखी, कोई बहू से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ननद से दुखी, दुखी संसार में आए हुए तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि मानसिक कष्ट तुमको भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते नचेंद्र से सुखम नास्ती न सुखम चक्रवर्ती, न चक्रवर्ती राजा बनकर भी सुख नहीं मिलेगा, स्वर्ग का इंद्र बनकर भी सुख नहीं मिलेगा। इसलिए कि कर्म चक्र में आओगे तो ततैया जैसे काटते रहते हैं संसार में दुखी दुखी दुखी, भैया कर्म चक्र में फंसना नहीं तुम्हें। तीसरा जो ज्ञान बताया योग मार्ग है, कहते जो लोग एक अंगुष्ट परिमाण परमात्मा को अपना हृदय में ध्यान करते वो भी एक तरह का मुक्ति मार्ग है, एक तरह का वो भी मुक्ति है। भक्त लोग भी वो मुक्ति मार्ग में भी जाना नहीं चाहते। अभी समझो पूर्व दिशा, ये पूर्व दिशा किया बोले प्रभु का प्रेम की मार्ग, भक्ति की मार्ग है, कभी ज्यादा तुमको खोदने का जरूरत नहीं, थोड़ी सी खोदो बस माल की झरी निकलेगा, फिर तो माला ही माल हो जाओगे, माला ही माल हो जाओगे। कभी ये पूर्व दिशा किया बोले भगवान की प्रेम की मार्ग है, भगवान की भक्ति की मार्ग है। जो प्रभु की जो भक्ति मार्ग जो प्रेम मार्ग है बड़ा सरल मार्ग है, बड़े सरल मार्ग है। इसलिए कहते ना सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, दुर्योधन की मेवा क्या, दुर्योधन की मेवा साग भी दुर्धर भाई, ओ साग भी दुर्धर भाई, सबसे प्रेम सगाई, प्रेम की भाषा अर्जुन रथ आगो, प्रेम की अर्जुन रथ आगो, भूल गए ठाकुराई, भूल गए ठाकुराई, सबसे प्रेम सगाई, सबसे प्रेम से जितने वशीभूत होते हैं ना और किसी द्वारा वशीभूत नहीं। हाँ इसमें उदाहरण दिया, कहते नृप सेवा की नहीं भूल गई हर नाई, बोले एक नाई था जिसका नाम था हर नाई, ये दुर्योधन का सेवक था, रोज मालिश करना शरीर में तेल को,
उसको बाल कटाना, ये सब काम यही करता था। लेकिन एक तरफ में वो बड़ा संत भी था, वो जानता है ठाकुर जी का हृदय तो संतों के हृदय में रहते हैं। अगर ठाकुर को सबसे जल्दी कोई खुश करना चाहते हो, सबसे सरल उपाय वैष्णव का सेवा करो, भक्त सेवा करो, क्योंकि भक्त खुश हो गए तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। एक दिन किया हुआ, जिस समय वो जाएगा दुर्योधन को सेवा करने के लिए, उसी ठीक उसी समय में कुछ संत कुछ आ गए, वो तो बड़ा दुविधा में पड़ गया। अभी क्या करनी चाहिए, संत सेवा करता हूँ दुर्योधन का सेवा छूटेगा, ये बड़ा दुष्ट हो सकता है, नौकरी से निकाल देगा, नहीं दंड देगा। लेकिन दुर्योधन की सेवा करने जाओ संत सेवा छूटेगा, फिर मुझको क्या करनी चाहिए। बोले ये दुष्ट का तो सेवा कर ही रहा हूँ, लेकिन संत तो हर समय मिलते नहीं, और ठाकुर संतों के हृदय में बैठे हैं, आज मैं संतों का ही सेवा करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। उसने संतों के लिए बढ़िया बढ़िया रोटी सब्जी बढ़िया बढ़िया सब कुछ बनाए, ठाकुर को भोग लगाई और संतों की सेवा करने लगे। इतने में गोविंद देव तो चिंता में पड़ गए, क्योंकि मैं तो संतों का हृदय में मैं बैठा हूँ, ऐसे संतों की सेवा कर रहा है, दुर्योधन तो दुष्ट है, इसको दंड दे सकता। इतने में गोविंद देव ने क्या किया, एक स्वयं की हरनाई का रूप धारण कर लिया और पहुंच गया दुर्योधन को घर में, जा करके उसकी चरण में तेल लगाना, उसको शरीर में तेल लगाना शुरू कर, मालिश करना शुरू किया। वो कौन थे, अरे बोलो कौन थे, वो स्वयं गोविंद देव थे। जब भगवान के शरीर का स्पर्श लगाना, उसका तो रोम रोम खिलने लग गया, आंखों से आंसुओं की झड़ी बहने लग गया। दुर्योधन बोले तेरे हाथ में क्या कोई जादू है ना, क्या तू हाथ लगाते शरीर में पता नहीं मेरे हृदय में इतने आनंद क्यों हो रहा है, आंखों से आंसुओं की झड़ी क्यों बहती है, कोई जादू तो ना है कि नहीं तुम्हारे हाथ में। दुर्योधन इतने प्रसन्न इतने खुश हुआ, बोले आज जीवन में जितने आनंद मिला ना, जीवन में इतना आनंद मेरे को कभी मिली नहीं। उसने जो गले में एक हार था, बड़े कीमती हार को निकाल करके वो हरनाई गला में पहना पहना दिया। लेकिन तो हरनाई थे नहीं थे, कौन थे, भगवान थे, लेकिन पहनाए तो ठाकुर को गले में, लेकिन वो माला अपने आप आ गया हरनाई के गले में। अब ये नाई ने संतों की सेवा करते हुए देर में पहुंचा, वो सोच रहा था शायद नौकरी जाएगा नहीं तो दंड देगा। जा करके बोले साहेब जी आज घर में कुछ संत लोग आ गए थे, उनकी सेवा करते करते देर हो गई, अपराध को माफ कर दें। बोले क्यों, आज तुमने इतने सेवा की और ये सेवा में आज इतने खुश हुआ, जीवन में कभी इतना खुश मिली नहीं। बोले नहीं मैं नहीं आ पाया था, मैं फंस गया था काम में। उसको तो बड़ा क्रोध आया, बोले ओ इतने कीमती हार दे दिया ना, तू एट रहे हो। लेकिन उसको पता नहीं गले में हार लटका हुआ है। उसने किया क्या, वो हार को पकड़ करके छीन लिया। जब छीन लिया हरना ने देखा भैया गले में ये हार कहाँ से आ गया, मेरे गले में तो हार फार कुछ थी नहीं, वो तो थे भक्त सेवा करने वाले। वो भक्त था, वो समझ गया आज मैंने घर में संतों की सेवा करने का वजह से स्वयं गोविंद देव आकर के इनकी सेवा कर रहे हैं, स्वयं ठाकुर की सेवा कर रहे हैं। इसलिए सूरदास जी कहते हैं बन गए हर नाई और सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान ये प्रेम से जितने खुश होता है ना, दुनिया भी देख लो, दुनिया प्रेम के चाहते हैं, क्या चाहते हैं अब बताओ, प्रेम के चाहते अगर बच्चे सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छुए हैं, बल्कि पिता माता के आदेश, पिता माता खुश हो जाते ना, हृदय से आशीर्वाद देते। अगर घर में बहू पिता सास ससुर से बड़े मीठी मीठी बात बोलती हैं, उनको अपना पिता माता मान कर सेवा करती हैं, अब बताओ सास ससुर खुश हो जाएगी, खुश हो जाएगी नहीं, खुश हो जाएगी ना। भैया सारा दुनिया प्रेम के भूखे हैं और दुनिया कुछ भी नहीं चाहता है, घर में कुछ नहीं अगर प्रेम होना सब कुछ, अगर इस घर में तुम्हारी सारा दुनिया लेकिन प्रेम नहीं, शांति मिलेगी, मिल नहीं सकती। इसलिए भैया भगवान केवल प्रेम की, भगवान केवल प्रेम की ठाकुर जी भूखे हैं। बोले श्री भक्त भक्त वत्सल भगवान की, बोले श्री गोविंद देव की, बोले श्री मदन मोहन लाल की, बोले श्री गोपीनाथ जी की। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं ये पूर्व दिशा प्रेम का मार्ग है और भगवान केवल प्रेम के वशीभूत होते हैं। इसलिए श्री रूप गोस्वामी एक श्लोक लिखते हैं, वो श्लोक में कहते हैं
अगर कोई सोचता है भैया भगवान की भजन थोड़ी कम उम्र में भक्ति होता है, बोले बताओ ध्रुव प्रहलाद कितने उम्र थे, वो 5 साल में भगवान को प्राप्त किया। कोई बोलेगा नहीं भगवान तो बड़े कुल में जन्म लेने पर मिलते हैं, बोले विदुरस्य किं जाति दुर्योधन की मेवा त्यागे साग विदुर घर खाए, दुर्योधन का मेवा मिश्र त्याग दे करके साग भाजी विदुर को घर में खाए। बोले भैया घर में ज्यादा पैसा होना तभी भगवान मिलेंगे, बोले सुदामा की धनम, आप बताओ सुदामा के पास में कौन सा धन था, तो गरीब दरिद्र, भगवान के लिए 2 मुट्ठी चिड़वा लेके गए ठाकुर, 2 मुट्ठी चिड़वा खाए तो त्रिभुवन का राज्य ठाकुर जी दे दिए है। इसलिए कहते भैया भगवान कि किसी को द्वारा नहीं मिलते, भगवान केवल भक्ति को द्वारा मिलते हैं, भगवान केवल भक्ति रस चैतन्य गोसाई, ठाकुर केवल तुम्हारी प्रेम देखना चाहते हैं, ठाकुर और किसी चीज को ठाकुर जी देखते नहीं। इसलिए यहाँ पर जो पूर्व दिशा है ये प्रेम मार्ग है, भक्ति मार्ग है। कहते जो भक्ति मार्ग है, बोले भक्ति भी ऋजु मार्ग है, भक्ति का मार्ग सरल मार्ग है, और दूसरे दूसरे जो मार्ग है ना कठिन मार्ग है। ज्ञान में एक व्यक्ति ज्ञान की कब अधिकारी बनेगा, बोले जब अंतर इंद्रिय और बाहर इंद्रिय जब संपूर्ण तुम्हारी कंट्रोल हो जाए ना तभी तुमको ज्ञान में अधिकार, नहीं तो ज्ञान में तुम्हारी कोई अधिकार नहीं। कर्म मार्ग में कब प्रवेश करो, पहले स्नान करो, ये करो, पवित्र हो तभी जाकर अच्छे कोई कर्म कर सकते हो। योग मार्ग भी ऐसे, लेकिन भक्ति मार्ग में किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी चीज की प्रभु की प्रेम करने के लिए किसी चीज की तुम्हारी जरूरत नहीं। बस महाप्रभु कहते हैं सोते उठते बैठते हर समय क्या करो, भगवान के नाम जप करो। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, जोर से ताकत लगा करके, इसलिए कहते हैं भगवान की भक्ति नाम करने के लिए भैया कोई तुम्हारी जात पात किसी चीज की जरूरत नहीं, कोई पवित्रता की जरूरत नहीं। किसी अवस्था में मोह झूठा तभी बोल सकते हो। महाप्रभु कहते कि सहन सोते समय, कर्म अच्छे कर्म सोते समय कर सकते, ज्ञान नहीं सोते समय। कि भोजन है, अगर भोजन कर रहे हो प्रभु का नाम ले रहे हो, कि वह जागरण है जग रहे हो बैठ रहे हो, किसी अवस्था में भी क्या करो भगवान की भक्ति कर सकते हो। भक्ति में आनंद है, भक्ति में रस है, लेकिन जो दूसरे दूसरे मार्ग कठिन है। कल सुन रहे थे ना, हम चाहते हैं पार्टी में जाने के लिए, बोले क्यों, बोले उसमें 3 चीज होता है, क्या होता है बोलो, डांसिंग सिंगिंग और ईटिंग, 3 चीज होता है पार्टी में। बोले भैया बीच बीच में क्यों जाओ, रोज करो, रोज पार्टी बनाओ, भगवान के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ, पार्टी ना ठाकुर के लिए गोविंद देव के लिए बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ ना, सिंगिंग गाओगे ना, प्रभु का कीर्तन करो, नाचोगे ना, रोज नाच रहे कि नहीं यहाँ पर, खूब कीर्तन में नाच रहे हैं, अब तो सबको नचा रहे हैं भक्त लोग। इसलिए रोज फेस्टिवल हो, रोज भैया पार्टी रोज करो। इसलिए भक्ति में बड़ा सरल मार्ग है। इसलिए महाप्रभु ने ये कथा श्री सनातन गोस्वामी को सुनाए, बोले देख बेटा भक्ति मार्ग में जाना और किसी मार्ग में हमें नहीं जानी चाहिए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की, सचिनंदन गौर हरि की। अभी यहाँ पर चैतन्य भागवत में अभी एक संतों का चरित्र आ रहा है जिनका नाम है श्री हरिदास ठाकुर। क्या इनकी जीवनी है, अद्भुत इनकी जीवनी है। हाँ एक मिनट कीर्तन कर लेते हैं, ठीक है। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण हरे 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 राम हरे राम।
समय जो नवद्वीप का जो स्थिति थी है बहुत बेकार स्थिति है। पहले सुन रहे थे ना, जितना कुत्ता कुत्तियों के विवाह, बिल्ला बिल्लियों के विवाह, उसमें करोड़ रुपया खर्चा करना, देवी माँ को सामने बलि चढ़ाना, मांस खाना, शराब पीना, यही इनकी जीवन था। अगर कोई प्रभु की भक्ति करे, भजन करे तो नाराज होते थे, बोले ये रात भर हरिनाम करते हैं, अगर ये रात भर हरिनाम करेंगे भगवान की नींद खराब होगी, नींद खराब होगी तो खेती नहीं होगा, दुर्भिक्ष आएगा। अगर दुर्भिक्ष आए ना, ये जितने संत सब हरिनाम कर तिलक कंठीधारी, इनके घर को उजाड़ कर गंगा में बहा देंगे हैं। ऐसे भक्त लोगों को बड़ी निंदा चर्चा करते थे, लेकिन ये भक्त लोग बड़े दुखी होकर के भगवान की भक्ति करते थे, भगवान को पुकारते थे, ठाकुर कृपा करके कब जगत में आओगे और हमारी कल्याण करोगे, भगवान को पुकारा करते थे हैं। ठीक उसी समय में एक संत थे जिनका नाम था हरिदास ठाकुर। क्या नाम था? हरिदास ठाकुर। ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी, ये भगवान की हम पहले सुन रहे थे ना, जब कृष्ण की बछड़े और सखाओं को चोरी की, ब्रह्मा तो पहले सोच रहे थे कृष्ण कोई बालक होगा,
क्योंकि उन्होंने सबका जूठन खा रहे थे और साधारण गैया चरा रहे थे। लेकिन जब बाद में इनको पता चला ये कौन है, ये भगवान, मेरे पिताजी के पिताजी के भी पिता है, इसलिए उन्होंने भगवान के चरण में बड़ी उन्होंने माफी मांगे। भगवान तो माफ किया लेकिन हृदय से नहीं, उन्होंने अपना दिव्य दृष्टि से देखा। यही कृष्ण कलयुग में नवद्वीप में श्री सचिनंदन गौर हरि बन करके आएंगे और उसी समय बड़े दयालु बनेंगे। क्यों दयालु? वही कृष्ण, वही राम, वही महाप्रभु बन करके आएंगे, इतने दयालु क्यों बनेंगे? कारण है, कहते राधा रानी बड़ी दयालु, कहते करुणा कुरुमयी करुणा भरिते, राधा रानी बड़ी दयालु। इसलिए वृंदावन में ना कोई भी कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? जोर से बोलो और जोर से, क्योंकि राधा रानी बड़ी दयालु। और राधा रानी का नाम लेते हैं ना, कहते ना राधे राधे रट चले आएंगे बिहारी। और जो एक बार राधा जी का नाम लेता है, कृष्ण कहते हैं बोले मम नाम सत्यनापी राधा नाम सदूतमम जग करोति सदा राधा ना जाने महिमा किंतम। भगवान कहते हैं जो 100 बार मेरे नाम को ले, एक बार केवल श्री राधा जी का नाम ले ले, मेरे 100 बार समान राधा जी का एक नाम है। इतना महिमा राधा जी की, नाम की इतने महिमा है। इसलिए ब्रह्मा जी है, उन्होंने देखा कलयुग में कृष्ण ये राधा जी की भाव अंग कहां से लेकर के आएंगे। इसलिए देखना कृष्ण तो मारे राम तो मारे राक्षस को, लेकिन राधा रानी किसको मारी है? मैया सीता ने मारी है, क्योंकि माँ है ना, माँ का हृदय बड़े दयालु होता है। अब देखना बच्चे लोग इसको पास में ज्यादा चीज मांगते हैं, माँ ना पिताजी को। इसलिए देखना जो माँ बोलते हैं ना मुंह खुल जाता है, मतलब क्या मैया जरूर कुछ खिलाएगी? माँ बोलो मुंह खुल जाती कि नहीं? हाँ, इसलिए एक क्योंकि कृष्ण कलयुग में राधा जी की भाव लेकर के आए, इसलिए राधा रानी बड़ी दयालु ब्रह्मा जी ने देखा। इसलिए बोले मैं और महाप्रभु का अवतार में आऊंगा, और कौन सा जात में, छोटे जात में, बड़े जाति में नहीं, नहीं तो अभिमान होगा, हमने भगवान ब्रह्मा बना दिया ना, हाँ ब्रह्मा बना दिया, इसलिए अगली बार में छोटे जाति में आऊंगा, दीनहीन होकर भजन करूंगा। ये हरिदास ठाकुर जी दिन में 3-3 लाख हरि नाम करते थे। कितना हरि नाम करते थे? 3 लाख हरि नाम करते थे। 1 लाख हरि नाम तो करते थे बड़े उच्च स्वर से। एक बार जोर करके बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो Krishna Krishna Hare 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 Ram Hare Ram Ram Hare Hare। 1 लाख हरि नाम उच्चे स्वर से और 1 लाख हरि नाम करते जहां तक कान तक सुनाई पड़े केवल, और 1 लाख जो हरि नाम करते थे धीरे धीरे करते थे एकदम मन मन में, 3 लाख हरि नाम करते थे। जब ये उच्च स्वर में हरि नाम करते थे, एक समय एक ब्राह्मण बोले, बोले क्यों गोसाई, हमने सुना भजन को मन मन में करते हैं, तू तो चिल्ला चिल्ला कर हरे कृष्णा इतने जोर जोर से क्यों कर रहे हो? हमने सुना भजन तो मन मन में करनी चाहिए। देखो क्या उत्तर देते हैं। तब उन्होंने पूछा, ये बताओ एक व्यक्ति कमाता है, कमा करके पूरा परिवार को खिलाता है, एक व्यक्ति कमा करके खुद खाता है, दोनों में किसका पुण्य ज्यादा मिलेगा? जो कमा करके दूसरों को परिवार को खिलाता है। इसलिए जो व्यक्ति मन मन में हरि का नाम करता है वो अपना कल्याण सोचता है, लेकिन जो व्यक्ति जोर जोर से करता है, जैसे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े हैं, ये जैसे भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं, लेकिन जो उच्चे स्वर से हरि नाम करते हैं उनको कान में भी भगवान के नाम उनको कान में भी जाता है, जाने पर उनका भी कल्याण होता है, हैं कल्याण होता है। बोले इसका कोई प्रमाण है? तो उन्होंने शास्त्र से एक श्लोक उद्धृत किया है, बोले जपतो हरि नामानि स्थाने सत गुणाधिक आत्मानां च पुनः तुचै जपन सोत्री पुनातिच।
बोले जपो तो हरि नामान स्थाने सत गुणाधिको, जो मन मन में हरि नाम करते हैं, जो उच्चे स्वर से हरि नाम करते हैं उसको कितना जोर जोर से, बोले सत्तो गुणाधिको 100 गुण उसको ज्यादा पुण्य मिलेगा। जो मन मन में करते हैं, जो उच्चे स्वर में करते हैं 100 गुण है, 100 गुण शास्त्र से उन्होंने श्लोकों को उद्धृत करके उन्होंने बताए। बोले जन्नाम गृहति अखिलान श्रोतिनात्मा मैव च सद्य पुनाति किं भूयम् तस्य स्पृष्ट पदा पदा इति इति। यहाँ पर कहते जन्नाम गृहति, बोले जिनका नाम ग्रहण करने का साथ साथ क्या होता है और जो कान में जाता है उसी समय में सद्य पुनाति किं, उसी समय में ही इसकी कल्याण उद्धार हो जाता है। इसलिए बोले भगवान के नाम चार ही तरह से कल्याण करता है। किस किस तरह से बताओ, क्या क्या? हाँ हाँ बोलो, कौन बोल रहा है? हाँ एक एक श्लोक याद करना। सुनो जो लड़कियां हैं, एक विशाखा दीदी का एक ग्रुप है, जानती कि नहीं, उसमें जुड़ जाओ। वो जो विशाखा दीदी एक एक श्लोक सिखाती हैं, एक एक वो श्लोक सिखाती हैं और ग्रुप में रोज क्लास देती हैं और दूसरों को भी कैसे कथा सुनाओगे, कैसे कथा सुना सकते, ये भी वो बच्चे को सिखा देती है। वो ग्रुप में बहुत सारे लोग रहते हैं, लड़कियां रहती है, केवल माताएं, जब कथा सुनाओगे ना वो सबके सब कथा सुनते हैं, चांस देती हैं। इसलिए ग्रुप में जुड़ जाना। जुड़े हो कि नहीं? हाँ सो कोई काम धाम। इसलिए अगर जो चाहते हो दुनिया की बात तो बोलो, तो देखो 1000 मुँह निकल आती हैं, लेकिन ठाकुर का नाम पूछो, भक्ति कोई बोली नहीं, ठीक है। कौन चाहता है भगवान की कथा सुनाना, लेकिन सास वो भी चुगली होना, देखना कितने बात निकलेगा। लेकिन भगवान की बात करने जाओ मुंह से बात नहीं निकलती, ठीक है ना। ये एक विशाखा दीदी का ग्रुप है, वो फोन नंबर दे दूंगा, उसमें जुड़ जाना, ठीक है। और यहाँ पर श्री जो लड़के लोग हैं हमारे, श्री सुंदर गोपाल प्रभु का ग्रुप है, आप उसमें सबके सब जुड़ जाना, ठीक है। फिर तो आप अपनी आप कथा सुनाना शुरू कर दो। इसलिए यहाँ पर कहते हैं भगवान का नाम चार तरह से कल्याण करता है। ये कौन कह रहे हैं? विष्णु दूत कह रहे हैं। बोले किसको कह रहे हैं? बोले ये जमदूत को कह रहे हैं। जिस समय अजामिली ने, जब बड़ा पापी था क्योंकि पत्नी को त्याग दिया, वेश्या को साथ में रहा, उसका हाथ में अमेध्य कुमेध्य भोजन किया और उससे 10 बच्चे जन्म हुई। अभी उनको लालन पालन करने के लिए डाकू डालना, आग लगाना, जितने तरह का सारे पाप कर्म किया, लेकिन जब मरते समय काय मन वाक्य से हम कर्म करते हैं, 3 जमदूत उसको लेने के लिए आए, गले में जब काल फाल देख करके अपना बेटे को देखा दूर में खेलते हुए और जोर से पुकारा, बेटा नारायण नारायण, केवल चार ये कर लिया, एक तरफ में 3 जमदूत, दूसरे तरफ में 4 विष्णुदूत। बोले माँ भयो, डरने का कोई बात नहीं, हम तुमको रक्षा करेंगे। इतने में जमदूत कह रहे हैं, विष्णुदूत कह रहे हैं जमदूत को, बोले तुम लोग कौन हो, कौन हो? बोले हम धर्मराजा का दूत। बोले धर्मराजा का दूत, लगता है कोई भूत पिशाच अभी हमारी हमारी हैं हमारी पाला में पड़े हो, हमारी कब्जा में आ गए, अभी तुमको बांध करके दंड देंगे। बोले नहीं, हम तो धर्मराजा का दूत है। अगर तुम धर्म राजा का दूत, बताओ धर्म का संज्ञा क्या बोले, धर्म का डेफिनेशन तो बता सकते हो। बोले वेद प्रणहित धर्म अधर्म तद विवर्जय, कहते धर्म उसे कहते हैं हमारे वेद पुराण में जो बताया गया, ये सत्कर्म करने के लिए जो करता है वही धर्म, उसका जो विपरीत वस्तु ये अधर्म है, ये अधर्म है। जब बोले ये बात को बोले, बोले क्या सबको ही दंड के अधिकारी है? देखो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। बोले कोई कोई कहते ना, अरे किसने पूर्व जन्म को देखा, मरने का बाद कौन किसको देखता है, लेकिन ये जमदूत कह रहे हैं, देख क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात बताई। बोले एक व्यक्ति 3 जन्मों को पता लगा सकता है, कितने जन्मों को, कितने जन्मों को, देखो वो क्या उदाहरण देते हैं। अभी जो जीवन मिला है आपको तो पता ही चल रहा है कैसे जीवन मिला है, सबको पता चल रहा है, लेकिन ये जो हमें जीवन मिला है ये कैसे मिला, पूर्व जन्म के कर्म के अनुरूप हमें मिला है, कर्म के अनुरूप। देखना किसका पति बहुत अच्छे होते हैं,
लेकिन किसका प्रति बुरा लड़ाकू झगड़ा दिन भर माल पी करके पड़े रहते हैं। किसका बेटा सवेरे होते ही पिता माता की चरण छूता है,